फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के योग्य नहीं थे विराट कोहली। आपने सुना क्या? आपने बिल्कुल ठीक सुना, सही सुना। ये शब्द है संजय मांजरेकर के। संजय मांजरेकर का मानना है कि फाइनल मुकाबले में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच के योग्य नहीं थे। उन्होंने यहां तक कर डाला कि वो तो विलन थे, कहां से मैन ऑफ द मैच दे दिया गया, वो आश्चर्य में है। संजय मांजरेकर कौन है, क्या करते हैं, ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है, और अक्सर क्या करते हुए नजर आते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरकार मुद्दा क्या है, संजय मांजरेकर ESPN क्रिकेट इन्फो पर ऐसा क्यों बोलते हुए नजर आते हैं, सब कुछ आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से अपने इस रिपोर्ट में हम समझाने वाले हैं। तो भैया बात है फाइनल मुकाबले की। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद संजय मांजरेकर को यह लग रहा था कि विराट कोहली तो विलेन है, विराट कोहली के पारी कारण भारतीय टीम मुकाबला हारी है, क्योंकि विराट कोहली अंत तक टिके रहे, डटे रहे, जिस कारण से हार्दिक पांड्या जो कि सबसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है विराट भारतीय टीम के, उनको बल्लेबाजी नहीं मिल पाई और भारतीय टीम का स्कोर जो 190-195 होना चाहिए था वो 176 पर रुक गया। ये संजय मांजरेकर का मानना है। उन्होंने कहा कि ये जो 59 गेंदों पर 76 रन विराट कोहली ने बनाए हैं, ये भारतीय टीम के फायदे के लिए पारी नहीं थी, इसने तो भारतीय टीम का बेड़ा गर्क करके रखा था। और आपने देखा होगा 15वें ओवर तक कैसे साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से गेम के कंट्रोल में था, वो तो विराट कोहली की इज्जत भारतीय गेंदबाजों ने बचाई। उनका मानना है कि अर्शदीप, हार्दिक और जसप्रीत बुमराह ना होते तो भारतीय टीम हार जाती और सोशल मीडिया पर विराट कोहली को जमकर लताड़ा जाता, विराट कोहली को विलेन बनाया जाता, कुछ हद तक रोहित शर्मा को भी विलेन बनाया जाता कि अक्षर पटेल को क्यों गेंदबाजी दी, और फिर अक्षर पटेल को भी आड़े हाथों लिया जाता कि क्लासेन के खिलाफ उन्होंने कैसी गेंदबाजी की। ये संजय मांजरेकर का मानना है, ये संजय मांजरेकर का कहना है। उन्होंने ये कहा कि वो आश्चर्य में है कि विराट कोहली को कैसे मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैन ऑफ द मैच या तो बुमराह को चुना जाना था, या तो हार्दिक पांड्या को चुना जाना चाहिए था, या तो अर्शदीप सिंह का, क्योंकि इन तीनों ने भारतीय टीम की इज्जत बचाई है, इन तीनों ने विराट कोहली का मान बचाया है, सम्मान बचाया है, रोहित का सम्मान बचाया है, अक्षर पटेल का सम्मान बचाया है, तो फिर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच क्यों? वो योग्य नहीं थे। वो जो 76 रनों की पारी आई वो भारतीय टीम के हित में नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम को उस पारी ने काफी पीछे मुकाबले में कर दिया था। अब हमने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए कि संजय मांजरेकर सही है या गलत है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा कि संजय मांजरेकर आपके हिसाब से सही है या गलत। अगर हम संजय मांजरेकर की बात की समीक्षा करें तो संजय मांजरेकर ना ही बहुत गलत है ना ही बहुत सही है। भारतीय टीम के स्कोर कार्ड पर अगर आप नजर डालेंगे तो 34 पर 3 विकेट गिर गए। अगर विराट कोहली वहां टिके नहीं होते, वहां पर डटे नहीं होते, अड़े नहीं होते, तो भारतीय टीम 150 पार कर पाना मुश्किल हो जाता उनका। तो विराट कोहली का रहना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था, क्योंकि विराट कोहली के रहते ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत सहज रहता है, विरोधियों में हमेशा एक भय बना रहता है कि विराट तो अभी है, भारतीय टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच ही जाएगी, ये अक्सर होता है। और विराट कोहली को यह भूमिका ड्रेसिंग रूम से कहकर भेजी गई थी कि आप टिके रहिए, 15 ओवर तक बने रहिए, वहां पर डटे रहिए, अड़े रहिए, और बाकी जो दूसरे एंड से बल्लेबाज होंगे वो अटैक करेंगे, आपको अटैक नहीं करना है, आपको सिंगल्स में खेलना है, जो आपका रोल रहता है वो रोल अदा करना है, एंकर की भूमिका में आ जाना है। वो विराट कोहली बखूबी अदा करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, कुछ 1-2 ओवर पहले अगर विराट कोहली अटैक करना शुरू कर दिए होते तो वो भारतीय टीम के हित में जाता। प्रयास अथक विराट कोहली का जारी था, लेकिन बॉल बल्ले पर कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, मगर जाते जाते विराट कोहली ने अपना काम किया। तो विराट कोहली की पारी बहुत गलत नहीं थी, लेकिन जो पिच कंडीशंस था वो दूसरी पारी में आते आते बहुत ही ज्यादा सुधर गया था, बहुत ही ज्यादा फ्लैट हो गया था, जिस कारण से क्लासेन हो, मिलर हो, डिकॉक हो, या फिर कोई अन्य बल्लेबाज हो, सब कोई फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक खेल पा रहा था, और भारतीय टीम का जो 176 का स्कोर कार्ड था वो बहुत बड़ा साबित नहीं हुआ, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्लासेन इस मुकाबले को 17 ओवर तक समाप्त कर देंगे। हाँ, 15 ओवर की समाप्ति के बाद जितने भी विराट हेटर्स थे वो तैयार थे विराट कोहली की आलोचना करने के लिए, उनको लताड़ने के लिए, उनकी इस पारी को बिल्कुल ही गलत साबित करने के लिए कि विराट कोहली ने एक बार फिर से अपने लिए पारी खेली है। संजय मांजरेकर ने यह भी सही बोला कि अगर भारतीय टीम के 3 गेंदबाज बुमराह, हार्दिक और अर्शदीप ना होते तो भारतीय टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाता।
विराट कोहली की इज्जत नहीं बच पाती क्योंकि उनको जमकर सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाता, लताड़ा जाता, ये बताया जाता कि विराट कोहली विलेन है, विराट कोहली के ही कारण भारतीय टीम मुकाबला हारी है। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई विचार विमर्श करने की बात नहीं है कि विराट कोहली को विलेन बनाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन अर्शदीप सिंह, बुमराह और हार्दिक पांड्या ने वो जो चार ओवर लास्ट के डाले उसने सबकी इज्जत बचा ली, विराट कोहली की पारी का कद बढ़ा दिया, विराट कोहली को बढ़ा दिया और सम्मानपूर्वक इन तीनों ने, चाहे हम जडेजा की बात करें, रोहित की बात करें या विराट की बात करें, T20 फॉर्मेट से विदाई ले ली। तो बहुत गलत भी नहीं है मांजरेकर, ना ही बहुत सही है। अगर विराट ना होते तो भारतीय टीम 150 भी नहीं कर पाती। हाँ, विराट चाहते तो 176 190 में बदल सकता था, विराट का प्रयास जारी था, उसमें कोई दो राय नहीं है। विराट भरसक प्रयास कर रहे थे कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाए, 15 ओवर के बाद ही वो अटैक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अटैक नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये जो उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या जो भारतीय टीम के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं, वो जल्द बल्लेबाजी पर नहीं आ पाए, जिस कारण से भारतीय टीम थोड़ा सा पीछे रह गई, तो ये आप कैसे कह सकते हैं क्रिकेट में कि ये बल्लेबाज आता तो स्कोर कर ही देता। क्या पता अगर हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हो जाते विराट कोहली के जाने के बाद, तो स्थितियां परिस्थितियां और गड़बड़ हो जाती और डगमगा जाती। तो जो कुछ भी होता है सही के लिए होता है, भले के लिए होता है। विराट कोहली का प्रेजेंस क्रीज पर बहुत बड़ी बात होती है भारतीय टीम के लिए। विपक्षी के खेमे में हमेशा हलचल मचा रहता है, जो गेंदबाज रहता है वो हमेशा अपनी प्लानिंग बदलता रहता है, तो विराट कोहली का रहना बहुत आवश्यक होता है, जिस कारण से शिवम दुबे अच्छी हिट लगा पाए, जिस कारण से अक्षर पटेल अच्छी हिट लगा पाए, क्योंकि एक इंच से विराट कोहली डटे थे, एक इंच से दबाव महसूस नहीं होने दे रहे थे। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या सचमुच विराट कोहली योग्य नहीं थे मैन ऑफ द मैच के, या फिर सही निर्णय लेकर विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।